आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लोकपत नारायण मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ है प्रोफेसर सीबी उपाध्याय, आज हेड एंडिंग लाहौर दिल्ली का हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है। हम आपका और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। इसके बाद हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि है प्रोफेसर नीतीश कुमार पटेल, आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है। हम आपका अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन एवं वंदन करते हैं। ये निवेदन करेंगे कि आप आए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, के उपरांत मां सरस्वती एवं नेताजी के चित्त पर माल्यार्पण होगा। जो आप हमारे मेहमान हैं, प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे। प्रतिवर्ष हम लोग नए दीक्षारंभ कार्यक्रम से करते हैं और यह कड़ी अनवरत चली आ रही है। इस कड़ी में डॉक्टर केशरी नंदन शर्मा, अजय कुमार सिंह और भी तमाम पीढ़ के मिल गई है और ढली आ गई है। तो कार्यक्रम के इस क्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले जो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, देखिए जब तक कार्यक्रम में पहले सम्मान न हो तब तक उस कार्यक्रम का कोई आनंद। सबसे पहले इस कड़ी के अंतर्गत हम अपने महाविद्यालय के संस्थापक निदेशक डॉक्टर अभिषेक सिंह से निवेदन करते हैं कि आप सम्मानित करें। माननीय अगली संत महोदय से यह निवेदन करते हैं कि आप विशिष्ट अतिथि महोदय को सम्मानित करें। अब आप लोग स्थान बैठ जाएंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि अभिषेक करता क्या है। मित्रों, जितने भी विषय मेडिकल प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, हर विषय के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने संभावनाएं हैं। लेकिन कानून का एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को छूता। कैसे? जब कभी भी आप कभी सड़क पे जा रहे हो तो सड़क पर जाते समय आपके सामने बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं और नहीं कर रहे हैं जब हम सो रहे हो, बिकॉज राइट टू स्लीप हमारे कानून की ड्यूटी, और इस कारण से कानून अलग है और इस कानून में तमाम संभावनाएं हैं। हमारे सामने जो विषय मिला है वो अभी एलएलबी है, एलएलबी के साथ साथ बीए एलएलबी है और उसके बाद एलएलएम आएगा,
और उसके बाद पीएचडी आए। इन सभी पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद हमारे बहुत से रास्ते खुलते हैं और इसी कारण हमारा यह विषय और उससे अलग है। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ कि आपने जो फील्ड चुना है वास्तव में आपने 100% का काम किया है, क्योंकि इस फील्ड के सामने बहुत सी संभावनाएं हैं। सिंपली आप ग्रेजुएशन करते हैं, हमारा जो एलएलबी और बीएलएलबी कोर्स है यह भी ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता अपने आप, लेकिन यह विषय ऐसा है जिसको कर लेने मात्र से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। सबसे पहला स्टेज आता है हमारा एडवोकेसी। एडवोकेसी आपने एलएलबी किया, एक छोटी सी परीक्षा पास किया है जो बीसीआई ने 2010 के बाद लगाया है, और उसके बाद आपको वकालत का अवसर मिलता है भारत के किसी भी न्यायालय में, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। There is section 30 of the Advocates Act, वो आपको कहता है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात आप भारत के किसी भी न्यायालय में, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, आप वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नाम आता है APO, जिसको सामान्य भाषा में सरकारी वकील कहते हैं। सरकारी वकील की भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह LLB ही है। इसके साथ ही साथ तमाम तरह के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, जो तमाम संस्थाएँ आपको बुलाती हैं, वहाँ पर भी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ अगर आप LLM की डिग्री पूरा करते हैं, साथ ही साथ एक छोटी सी परीक्षा जिसे नेट के नाम से जानते हैं, अगर आप नेट पास कर लेते हैं तो आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत होकर के प्रोफेसर, और प्रोफेसर से फिर हेड ऑफ डीन एंड देयर आफ्टर द वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। यह है हमारी संभावनाएँ और इसी कारण हमारा यह विषय औरों से अलग है। उसके बाद साथ ही साथ जुडिशरी में जजेज बनने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह LLM और PhD नहीं, वह भी LLB ही है। तो मात्र और मात्र केवल और केवल ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के आपके सामने इतनी संभावनाएं। अब जाहिर सी बात है, सारे LLB करने वालों को न तो जजशिप मिलेगी, न तो असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे, और न ही बाकी कोई नौकरी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पहला संदेश यह है कि जिस काम के लिए आप आए हैं, आप इस संस्था में पढ़ने के लिए आए हैं, और सौभाग्य की बात है कि जिस संस्था में आप हैं यह डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेजों से अलग है। इस मामले में पढ़ाई के मामले बहुत से ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, दे आर वर्किंग ओनली ऑन टू टीयर सिस्टम, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, नो क्लास। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज मिलेगी और वो है क्लास। आपको रेगुलर क्लास करना है, और हमारी यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि आप क्या करने आए हैं। घूमिए फिरिए, मनोरंजन कीजिए, पिक्चर देखिए, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आप इस संस्था में पैसा दे करके, माँ बाप का पैसा ले करके, खाने का खर्चा ले करके आप इस महाविद्यालय में आए हैं। तो कम से कम अपना वो टारगेट ना भूलें कि आप क्या करने आए। कुछ भी कीजिए लेकिन साथ साथ पढ़ाई करना है। रीडिंग मस्ट बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, दैट इज द बेकन्स वर्जन। बेकन्स ने बोला था कि पढ़ाई को इस तरह से पढ़ो कि पढ़ो और उसे चबा जाओ, और चबाना ही नहीं है, उसे पचाना भी है। तो पढ़िए और पढ़ करके उसे चबा जाइए, और चबा करके पचा जाइए। जो कानून की धाराओं को पढ़ करके पचा जाएगा, निश्चित रूप से वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। यह जो पीरियड है आपका, अभी शुरुआत हो रही है, इसको आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। अगर इस समय को आपने नष्ट किया तो आगे चलकर के समय आपको नष्ट करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इस संस्था में आने के बाद आज से ही मन बनाइए कि हमें कानून की पढ़ाई करनी है, और ध्यान रखिएगा किसी भी विषय से हमारा विषय मजेदार है, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा पढ़कर के। एक एक धाराओं को पढ़िए, डूबते जाइए जिन धाराओं में, और इतना पढ़िए कि सामने पढ़ाने वाला एक बार आपकी क्लास में आने से डरे। इतने सवाल पूछिए, और सवाल पूछने के लिए सबसे जरूरी क्या, सवाल पूछने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस विषय की पढ़ाई कल को क्लास में होनी है उसे किताबों के जरिए आप पढ़ करके आइए। बिना पढ़े आएंगे तो फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि इससे दो फायदे होते हैं।
एक तो आपका जो क्लैरिटी आती है, साथ ही साथ कुछ आपके साथी जो क्लास में बोलने में हिचकते हैं, डरते हैं कि सामने वाला टीचर क्या सोचेगा, उसे भी उस सवाल के जवाब का से फायदा होगा। तो पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और ध्यान रखिएगा नोट्स खुद बनाना, पहले दिन से, कल के लिए नहीं डालना, पहले दिन से ही अपना नोट्स खुद बनाना है। दूसरों पर भरोसा मत करिए कि हम जो है मगर वाला बनाएगा, उससे ले लूँगा और उसके बाद पढ़ लूँगा, नहीं, पहले दिन से आप अपनी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई आपके लिए है, तो नोट्स मांगने के बजाय नोट्स बनाना सीखिए। इतना ऊपर जाइए कि लोग आपसे नोट्स मांगे ना कि आपको कभी किसी से नोट्स मांगना पड़े। तो इस तरह से पढ़ना है, और अपने किताबों में अंडरलाइन करनी है, एक एक धारा को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जिस आपको अंडरलाइन करते चलिए, जब एक चैप्टर पूरा हो जाए तो फिर अपना नोट्स बनाइए, और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद फिर उसको पढ़िए, और दो बार पढ़ने के बाद अब उसको याद करना है, और याद करने के बाद याद हुआ या नहीं यह भी चेक करना है, और जब यह चेक करना है तो उसके लिए लिखना है। ध्यान रखिए परीक्षा आने के पहले आपके हर एक नोट्स तैयार हो जाए, और तैयार होने के साथ साथ आप उसे रट लें, पढ़ लें। रटने को लोग बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन ध्यान रखिएगा यह विषय ऐसा है जिसमें रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि धारा की वर्डिंग से सवाल आते हैं, और एग्जैक्ट धारा की वर्डिंग अगर आप नहीं याद करेंगे तो आप पीछे जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। अब सवाल यह है कि हम इसको पढ़ करके जब हम एडुकेसी में आएंगे तो एडुकेसी में करेंगे क्या, या हमारी एडुकेसी किस रूप में शुरू हुई है और अभी इसका क्या परिणाम है, अभी किस स्तर पे पहुंची है। ध्यान रखिएगा दिस प्रोफेशन वाज स्टार्टेड बाय द एथोनियन ओरेटर्स। इस प्रोफेशन की शुरुआत एथेंस में हुई थी, और एथेंस के जो ओरेटर्स थे दे वर नॉट एक्सपर्ट इन द लॉ, दे वर एक्सपर्ट इन रिथोरिक। रिथोरिक कहते हैं वाक्पटुता को, बोलने की कला को, उनके पास बोलने की कला थी। एंड दे वर द वेरी वेल्दी पर्सन, वे पैसा कमाने के लिए नहीं जाते थे। हमारा प्रोफेशन पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखता, हमारा प्रोफेशन पैसा लेता है, जाहिर सी बात है लेता है, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं है। इस तरह से एथेनियन ओरेटर्स ने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद यह प्रोफेशन पहुंचा था रोम में। हम बात कर रहे हैं लगभग 204 BC का, जो ईसा पूर्व 204, वहाँ से इस प्रोफेशन की शुरुआत हुई, और उसके बाद यह प्रोफेशन पहुंचा इंग्लैंड, और इंग्लैंड पहुंचने के बाद इस प्रोफेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। यह लगभग 4वीं शताब्दी रही होगी जहां पर इस प्रोफेशन की शुरुआत हुई और इसका रेगुलेशन शुरू हुआ, लेकिन 4वीं शताब्दी के बाद एक युग आता है जिसको आप लोग अंधकार युग के नाम से सुने होंगे, जानते होंगे, और इस अंधकार युग ने लगभग 600 से 700 वर्ष लिया है, और उसके बाद यह प्रोफेशन डेवलप हुआ। उस समय जो एडवोकेट काम करते थे वे एडवोकेट दे वेर द क्लेर्जीमैन, क्लेर्जीमैन हम उनको कह रहे हैं चर्च के ईसाई पादरी को। दिस प्रोफेशन वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड बाय दैट क्लेर्जीमैन एंड दे वेर नॉट आस्किंग एनी फीस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। उन्हें अपने एडवोकेट से, अपने क्लाइंट से फीस मांगने की न तो इच्छा थी और न ही यह परंपरा थी। वे अपने कोर्ट के पीठ पर एक जेब रखा करते थे, और उस जेब में जब वो मुकदमा जीत करके जाने लगते थे तब उसके बाद कह करके कि यह मेरी खुशी है, और उसके बाद बाद में आगे चल करके इन ब्रिटिश शासन काल में एक एक्ट आया जिसका नाम था लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, और लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट ने पहली बार अलाउ किया कि ना वो द एडवोकेट्स दे कैन फिक्स देयर फीस बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। उसके बाद फीस लेने की परंपरा शुरू हुई, और एडवोकेट को यह अलाउ किया गया कि अब आप फीस ले सकते हैं, और फीस लेते लेते बात यहाँ तक पहुँची कि नाउ दे आर चार्जिंग फॉर एक्सोर्बिटेंट फीस। कहीं पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने लगभग 10-15 दिन पहले ही फीस स्ट्रक्चर जारी किया, लेकिन ध्यान रखिएगा वह फीस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। कारण क्या है कि हम जो एडवोकेट हैं
हम एडवोकेट के पास एक शक्ति है जिसे एकता की शक्ति कहते हैं, और इस धरती पर केवल एक ही वर्ग है जो वास्तव में यूनाइट है, और वो है एडवोकेट्स। एडवोकेट्स आपस में उनकी कितनी भी क्लैशिंग होती है, दो पार्टी में दोनों तरफ एडवोकेट ही होते हैं, और दोनों ही एडवोकेट हैं, और दोनों कंट्राडिक्टरी इंटरेस्ट रखते हैं। एक एडवोकेट एक पक्ष को बचा रहा है, दूसरा एडवोकेट दूसरे पक्ष को बचा रहा है, उसकी तरफ से पैरवी कर रहा है, लेकिन वे काम कैसे करते हैं। एंजल मिनिस्टर साहब ने लिखा है, मुझे लगता है सेशन को माइक की जरूरत नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बहुत देर बाद। तो एंजल मिनिस्टर साहब ने लिखा है कि दे हैव टू वर्क लाइक अ सीजर, दे कट्स व्हाट्स कम्स बिटवीन देम नॉट टू ईच। एक जो एडवोकेट होता है वो कैंची के फल की तरह काम करता है, वे काटता किस चीज को है जिस जो उनके बीच में आता है, मींस आर्गुमेंट्स द कंटेंशंस, वे उनको काटता है। कभी भी एक कैंची एक दूसरे को नहीं काटता, उसी तरह से एडवोकेट काम करता है। वो एडवोकेट आपस में खूब लड़ते हैं कचहरी में जज के सामने, लेकिन दे आर द ब्रदर्स। यही मैसेज था डेनियल मिनिस्टर साहब का। तो एडवोकेसी ऐसी हमारी प्रोफेशन बाकी किसी भी प्रोफेशन से अच्छी है, और उसका दूसरा कारण है कि नोबेलिटी इज आल्सो द प्राइम कैरेक्टर ऑफ आवर प्रोफेशन। नोबेलिटी रीडिंग मस्ट बी चीव्ड एंड डाइजेस्टेड, एंड एडवोकेट शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये अब्राहम लिंकन साहब थे जो बोल रहे थे। तो आपको सब कुछ जानना है, क्योंकि आपका एक विषय ऐसा है, अगर आपने सब कुछ नहीं जाना तो आप अपने प्रोफेशन में फेल करेंगे। एक डॉक्टर केवल मेडिकल प्रोफेशन जानता है, उसे मालूम है कि उसे कौन सी दवाई किस बीमारी में करनी है और उसे किस बीमारी का किस तरह से इलाज करना है, इसके अलावा वह कानून नहीं जानता। लेकिन हमारा एडवोकेट, उसे कानून भी जानना है, उसे मेडिकल प्रोफेशन भी जानना है, उसे बिजनेस भी जानना है। अगर वह सभी को नहीं पढ़ा, सभी को नहीं जाना, तो फिर ऐसे में वे अपना प्रोफेशन पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे एक एडवोकेट एक मुकदमे की पैरवी कर रहा है, और वह मैटर जो है मर्डर का, हत्या का, अगर वह केवल धारा 302 और 299 पढ़ा है कि मुकदमा जीत नहीं सकता, ये मेरी गारंटी, तो उसे चाहिए क्या, उसे मेडिकल प्रोफेशन भी पढ़ना है। चोट किस चीज से लगी थी, वह धारदार हथियार था या नहीं, किस कोण से मारा गया था, ये सारी बातें फोरेंसिक साइंस बताता है, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस बताता है। अगर वह एडवोकेट इस प्रोफेशन की पढ़ाई को नहीं पढ़ा, तो वह हत्या के मुकदमे को जीत नहीं सकता, और इसी कारण से हमारा प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से अलग है। और दुनिया, कम से कम भारतवर्ष में सारे लोग पुलिस प्रशासन से डरते हैं, खाकी वर्दी से डरते हैं, हम नहीं डरते, हम कतई नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उस खाकी वर्दी की गर्मी को का टेम्परेचर मशीन मेरे पास, इस कारण से हम कानून जानते हैं, तो हम कुछ चीज़ों से क्यों डरे, हमें पता है कि उनकी ताकत कहाँ तक है और कितनी है, और इस कारण से हम औरों से अलग हैं। आप औरों से अलग हैं या आगे चल करके होने जा। और आखिरी बात, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया, आखिरी बात ये कि हमारा प्रोफेशन मनी ओरिएंटेड नहीं। अगर हम आपसे पूछें बिजनेस और प्रोफेशन में एक ही अंतर होता है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट। हम भी ऑर्गेनाइज हैं, बिजनेसमैन भी ऑर्गेनाइज है, दो के दोनों ऑर्गेनाइज हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग, और वो अलग इस बात पर है। अगर हम आपसे पूछें कि बताएं आप भारत के 3-4 गुड बिजनेसमैन, टेक द नेम ऑफ गुड बिजनेसमैन इन इंडिया, देन यू विल रिप्लाई अडानी, अंबानी, टाटा एंड सो ऑन। हमने मेरा सवाल था कि भारत के अच्छे बिजनेसमैन का नाम लीजिए, और आपने नाम लिया अडानी, अंबानी, टाटा और भी बहुत कुछ। क्यों नाम लिया? बिकॉज यू हैव टेस्टेड दिस अच्छाई ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। बिजनेसमैन अच्छा है कब अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि वह अर्निंग करता है, ही अर्न ह्यूज मनी, और उसी बेस पर आपने डिसीजन लिया कि दे आर द गुड बिजनेस। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि अच्छा प्रोफेशनल कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छा टीचर कौन है, अच्छा एडवोकेट कौन है, अब आपका जो टेस्टिंग का फार्मूला होगा वह इस पर नहीं जाएगा कि किस टीचर के पास कितनी बड़ी गाड़ी,
किस टीचर के पास कितना बड़ा बंगला है, किस एडवोकेट के पास कितना पैसा है, नहीं। अब आपका जो क्राइटेरिया जाएगा वो इस बात पे जाएगा कि कौन सा वकील कितने मुकदमे जीता, कौन सा टीचर रोज क्लास पढ़ाता है, कौन सा डॉक्टर एक छोटी सी गोली देता है और मरीज ठीक हो जाता है। सो यू हैव टेस्टेड दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। तो ऐसे में हमारा प्रोफेशन इसलिए अलग है कि मनी नाइदर इट इज एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माई प्रोफेशन एंड नॉर इट इज द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसनेस, या सक्सेस बेस की क्राइटेरिया ही है जो हमें और बाकी प्रोफेशन से और हमें अपने बिजनेस से अलग करती है। तो इस प्रोफेशन को लेकर के आप आगे बढ़े हैं, इसके फील्ड में आए हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोशिश करिए कि इस फील्ड में जाकर के अपना नाम ऊंचा करिए। और फार्मूला सिर्फ एक है, मेहनत का कोई जवाब नहीं चाहे कोई कुछ भी कहता। जाहिर सी बात है बहुत से और भी मीन्स हैं सक्सेसनेस के, लेकिन मेहनत का कोई जवाब नहीं। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। ध्यान रखिएगा यह प्रोफेशन बहुत मेहनत लेगा, यह औरों से अलग है इस मामले में भी कि यहाँ पर मेहनत की जरूरत है। और मन लगा करके अगर आप नहीं पढ़े तो LLB की डिग्री तो मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन उस LLB डिग्री का कोई मूल्य नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा अगर आपने 3 साल या 5 साल आपने कोई मेहनत नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे फिर मौका मिलेगा। आप आए और अपने आशीर्वचन से हमारे इन नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को पुष्पित एवं पल्लवित करें। प्रोफेसर CP उपाध्याय जी, सर्वप्रथम विकास होता है। जैसा हमारे पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर
सर पटेल जी ने कहा कि जो विधि का ज्ञाता होता है वो हर चीज़ का ज्ञाता होता है। मेडिकल नेग्लिजेंस अगर किसी डॉक्टर ने किया तो एडवोकेट और जज मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी वो एनालिसिस करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, क्योंकि आपको विधि के क्षेत्र में जब आप अध्ययन करते हैं तो केवल विधि की धाराओं का ज्ञान नहीं कराया जाता, बल्कि आपको लॉजिकल तरीके से सोचने का, घटनाओं की एनालिसिस कैसे करना है और उसके बाद उस पर कौन सा कानून लागू होगा, ये आपको ये सारा सिस्टम बनाया जाता है। इसलिए विधि की शिक्षा से आपका सर्वांगीण विकास होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि सर ने अभी आपको बताया भी कि विधि के क्षेत्र में रोजगार के भी बहुत अवसर है, मतलब 100% एम्प्लॉयबिलिटी आप मान लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, तमाम ट्रिब्यूनल हैं, तमाम इनकम टैक्स के प्रैक्टिस के लिए मामले आते हैं आपके पास, तो आपके लिए रोजगार की कमी नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो आप इसे जेएनए सेलेक्ट हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल की प्रैक्टिस होने के बाद हायर जुडिशियल सर्विस में अगर आप जाएंगे तो सीधे के डीजे पर आपका अपॉइंटमेंट होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। इसके अतिरिक्त आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो सीधे बाहर से बेंच में जाने का भी मौका मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे वकील जज बन जाते हैं, तो मतलब आपके लाइफ में हमेशा एक नवीनता बनी रहेगी। बस ये है कि आपको हमेशा अपने को अपडेट रखना पड़ेगा और ये जो प्रोफेशनल पढ़ाई होती है उसका एक बेसिक फीचर है कि अपने को अपडेट रखना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल गई तो अब हमको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, ये धारणा लेकर आपको नहीं चलना है और इसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़ना जो है वो सबसे ही इंटरेस्टिंग काम है, पढ़ने से आपका समय अच्छा बीतता है और पुस्तकों को सबसे अच्छा मित्र माना जाता है व्यक्ति, तो आपको पढ़ाई लिखाई से कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जी भर गया है, बहुत पढ़ लिया, 5 साल तक 3 साल तक एलएलबी की पढ़ाई की, इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब आप जज बन जाते हैं और आपके सामने मुकदमा आता है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सुनवाई करके डिस्पोज कर देंगे, आप पहले मामले को सुनेंगे, दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद आप उस पर चिंतन करेंगे और उसके बाद आप घर जा कर के संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद आप अपना लॉजिक और एनालिसिस का प्रयोग करके तब आप जा कर के फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कोर्ट, क्योंकि न्याय का क्षेत्र जो है विधि का सिरे जो है वो न्याय से संबंधित है और न्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। न्याय में कई चीज़ें शामिल हैं, न्याय कई प्रकार का होता भी है, लेकिन हम यहाँ पर केवल ये कहेंगे कि हम लोग सभी लोग, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम अधिवक्ता हों, चाहे हम विधि के छात्र हों या हम न्यायिक अधिकारी हों, जो भी हैं, हम सभी लोग न्याय को प्राप्त करने में मदद करते हैं और न्याय प्रदान करने में मदद करना अपने में खुद ही एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और एक पुण्य का कार्य है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने में मदद की जाए, उसको न्याय दिलाया जाए। तो आपका जो ये विधिक शिक्षा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः जो सामाजिक धारणा है कि विधि के कोर्स में वही लोग एडमिशन लेते हैं उनका कहीं नहीं, लेकिन ये धारणा बहुत पुरानी है। अब ऐसी बात नहीं, विधि का महत्व मैंने आपको बताया और इसके अतिरिक्त विधि में आपको विधि का ज्ञान होना और विधि के लिए अपने को अभिव्यक्त करना,
आपकी अभिव्यक्ति, आपका जो प्रेजेंटेशन है, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि लॉ के फील्ड में है तो लॉजिक, लैंग्वेज और एनालिसिस, ये तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो कि लॉ के फील्ड में हमेशा आपके पास होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें हैं तो जहाँ तक दिमाग की बात है, लोग कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो मॉडरेट, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति का दिमाग बराबर होता है, मस्तिष्क की क्षमता भगवान ने बनाई है, सबकी बराबर है। हाँ, कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं तो उनको अगर अपवाद मान लिया जाए, बहुत रेयर लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बाकी सभी लोग औसत बुद्धि के व्यक्ति हैं। और वो बुद्धि हमको भगवान ने दी है, उसका हम लोग बहुत कम हिस्सा प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर पूरी बुद्धि प्रयोग करने लगेंगे तो तबाही मचा देंगे, फिर तो हम एटॉमिक बम चलाना शुरू कर देंगे। इसलिए बहुत छोटा सा हिस्सा दिमाग का प्रयोग किया जाता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया। और उस छोटे से हिस्से में आपको व्यावहारिक दृष्टि से श्रम करने की ज़रूरत है। डिलीजेंस एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है छात्र के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आपने कछुआ खरगोश वाली कहानी पढ़ी होगी, आप बहुत ही तीव्र मस्तिष्क के हैं, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। आप थक जाएंगे, सो जाएंगे और खाने लगेंगे, एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली अगर आप मेहनत करते रहे लाइफ में, तो आप निश्चित रूप से बड़े पद तक जाएंगे। मतलब एक डिग्री का छात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और बीच में तमाम पद हैं, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह आपको लीगल से लीगल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर लॉ ऑफिसर है, लीगल एडवाइजर है, लीगल असिस्टेंट है। मतलब रोजगार की तो हमें लगता है इससे ज़्यादा विविधता और ज़्यादा अधिकता और कहीं संभव है। मेडिकल के फील्ड में बच्चे दसों साल कठोर अध्ययन करते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, उसके बाद भी वो उनका एक आंगिक जीवन होता है, वो केवल मरीज और डॉक्टर तक ही सीमित रहता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपका तो बहुमुखी प्रतिभा है। आप देखिए, जितने बड़े बड़े राजनेता हैं, जितने बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, जितने समाज आपके संविधान के निर्माता हैं, सब लोगों ने मिलकर अध्ययन किया, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, जो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, वो तो सभी लोग लॉ ग्रेजुएट थे। तो लॉ ग्रेजुएट जो है वो एक साधारण इंसान नहीं होता। और ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आत्मविश्वास। आपको आत्मविश्वास होना नहीं, अपने आत्मविश्वास को आप बना के रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत कमज़ोर हैं या हम लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई स्कोप नहीं है। आपके जीवन में बहुत स्कोप, केवल आपका आत्मविश्वास हो। हाँ, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा, अतिविश्वास जो है वो खतरनाक नहीं है। लेकिन आप विश्वास खोइए भी मत, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। आप अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए, आप अपने एग्जिस्टेंस को एसर्ट कीजिए कि हाँ, हमारा वजूद है और हमारा अपना महत्व। दूसरी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी का एरा है, डिजिटल एरा, आप लोग जानते हैं। अब विधि की पढ़ाई का जो तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आपको मोबाइल पर, लैपटॉप पर ई कंटेंट मिल रहा है, ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, तो उन चीज़ों को आप पढ़िए। आप विधि के क्षेत्र में आए हैं तो जैसा मैंने कहा कि अपने को अपडेट करें, आप इतना ध्यान कीजिए कि आप शिक्षक से पूछ सकें कि सर, हमने ये पढ़ा है और आपने जो बताया है इसमें थोड़ा डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है, तो आप उनको इस विषय में स्पष्ट करें कि ये क्या। जब इस स्थिति में आप पहुँच जाएंगे तो आपकी सफलता की तरफ आप बढ़ जाएंगे, ऐसा आपको खुद महसूस होगा और आप भी निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो हम प्राचार्य महोदय से भी निवेदन करेंगे कि अगर कोई ई जर्नल वगैरह सब्सक्राइब करना हो तो
आप लोगों के लिए हम करेंगे। आपके पास लाइब्रेरी भी है, आप हार्ड कॉपी में भी बुक का अध्ययन करिए, इसके अतिरिक्त जो ई बुक्स हैं उनका अध्ययन कीजिए, जो ई जर्नल्स हैं उसमें लेख निकलता है, तो किसी टॉपिक विशेष पर कोई अगर आर्टिकल है पब्लिश तो आप उसको पढ़िए, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा उससे। और एक काम आप लोग और कर सकते हैं कि आप लोग खुद आर्टिकल लिखिए, एक बच्चों का एक जर्नल छपे यहाँ से, इस विद्यालय के नाम पर, इस महाविद्यालय के नाम पर छात्रों का एक जर्नल छपे और जिसमें छात्रों की भागीदारी, मतलब छात्र को ही उसमें एडिटर और छायक एडिटर बनाया जाए और छात्रों की एक्टिविटी और क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होगी इससे, क्योंकि आप एक सुदूर क्षेत्र में यहाँ विधि महाविद्यालय में बैठे हो, इतना बड़ा हमारा देश है, आप कल्पना कीजिए कि राजधानियों में, हर राज्य की राजधानी में जिला हेडक्वार्टर पर नेशनल यूनिवर्सिटी खुली हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, हर जगह लॉ डिपार्टमेंट है, हर जगह लॉ की पढ़ाई हो रही है, तो आपको उनके साथ कम्पीट करना है, आपको उनके साथ कम्पीट करना है, आपकी प्रतियोगिता उनके साथ। लेकिन सुविधा कभी किसी के विकास में बाधक नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं और आप उनसे प्रतियोगिता कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभाव में व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अभाव में जीता है, जो व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जीता है, वह व्यक्ति मजबूत बनता है और वह ऊंचाई तक पहुंचता है। तो आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आपका हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं और हमें आपके बीच में आकर के बड़ी खुशी मिल रही है और हम बहुत आभारी हैं कि विद्यालय के लोगों ने हमको इनवाइट किया है यहाँ पर, हमें आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। तो हमारा आप लोगों के लिए पूरा आशीर्वाद है और सहयोग भी रहेगा, अगर आप कभी विश्वविद्यालय में आएंगे तो लाइब्रेरी में अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ भी हम आपको परमिट करेंगे कि आप लाइब्रेरी का क्लास उठा। आपको लीगल एड क्लिनिक में भी अगर आप लोग आके भाग लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ लीगल एड क्लिनिक चलती है और क्लिनिकल लीगल एजुकेशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए, तो सारे बच्चे ही उसमें भाग लेते हैं। और कोई अगर समाज का गरीब व्यक्ति आता है विधिक सुझाव के लिए तो उसको सुझाव दिया जाता है, विधिक सुझाव देना या विद्या प्रदान करना बड़े पुण्य का कार्य है, और अगर किसी को विधिक सुझाव आप देते हैं तो निश्चित रूप से पहले आप विधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने को समर्थ बनाएंगे, उसके बाद ही आप उसको ज्ञान देंगे। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ से लेकर बनारस तक पूरा स्कोप रहेगा, पूरा हम लोगों का सहयोग रहेगा और आप लोग निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि छात्र जीवन जो है उसको गोल्डन पार्ट ऑफ द लाइफ माना जाता है, क्योंकि बाद में जब आप अपने सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो अलग प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं और फिर उन समस्याओं से आप जूझने लगते हैं, लेकिन छात्र जीवन में वो समस्याएं आपके ऊपर नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत आर्थिक समस्या रहती है, थोड़ा सा पारिवारिक समस्या रहती है, लेकिन आपका मुख्य कार्य जो है वो अध्ययन अध्यापन करके अपने को मजबूत बनाना और अपने को स्थिर करना। जब आप मजबूत होंगे तब आप परिवार को सहारा दे सकते हैं, समाज को सहारा दे सकते हैं और देश को सहारा दे सकते हैं। जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप ही डूबने लगेंगे तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, इसलिए पहले अपने को संभालिए, अपने को मजबूत बनाइए। यह एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण याद आ गई कि संस्था कभी अपने मन में ये मत पालिए कि वो BHU का स्टूडेंट है, वो हरिचंद का स्टूडेंट है, वो नेशनल यूनिवर्सिटी रामोहन लोहिया का स्टूडेंट है और हम इस संस्था के स्टूडेंट हैं। संस्था सभी बराबर, आपकी जो डिग्री होती है वो लॉ की डिग्री होती है वो बराबर, आपकी एलिजिबिलिटी भी बराबर मानी जाती है।
आपका मेहनत और आपका श्रम ही आपको परिणाम के रूप में मिलता है। अभी हम लोग थोड़ा जो हमारा अनुभव है कि हम लोग आयोग वगैरह की परीक्षाओं में जाते हैं, तो हमने ये देखा कि जो पहले की मान्यता थी कि बीएचयू के छात्र जो है ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ ये बात अब सही नहीं रहे। अब सारी चीज़ें बदल गई। आप कहीं से पढ़े विद्यापीठ के साथ बहुत सफल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, इग्नू भी सिलेक्ट हो रहे हैं, अच्छे जज अच्छे एडवोकेट बन रहे हैं, तो आपके अंदर कोई इस दुनिया की कॉम्प्लेक्स नहीं है। सभी संस्थाएँ बराबर, थोड़ा बहुत अंतर होता है कि हर सुगम सुविधा, लेकिन व्यक्ति के विकास की सुविधाएँ बाधक नहीं होती। आप अपने व्यक्तित्व का विकास कहीं भी रख करके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कठोर मेहनत की जरूरत है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मतलब सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि घुमा फिरा के रास्ते से पहुँच जाए। अब देखिए आपको हर स्टेप पर कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होगा, अगले स्टेप में आपको एडमिशन लेना होगा, फिर कम्पिटिशन लीजिए, फिर आपको अगर एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड बनना है उसके लिए रिटर्न एग्जाम लीजिए, आपको लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना है फिर रिटर्न एग्जाम लीजिए, आपको यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना है एग्जाम लीजिए, पीएचडी में एडमिशन लेना है एग्जाम लीजिए, मतलब कहीं भी जाना है तो आपको हर स्टेप पर कठोर मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और कठोर मेहनत व्यक्ति को मजबूत बनाती है, मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, मतलब मेहनत करने के लिए उत्साह होना चाहिए कि अगर हमको रात भर जगना है तो रात भर जगे, भाई डेली तो नहीं जगना है, लेकिन अगर कभी जागने की जरूरत पड़ गई तो हमारे अंदर इतना संकल्प होना चाहिए कि हम रात भर जगें और हम रात भर तैयारी करेंगे, फिर हम अपना मेकअप करेंगे कि हम कैसे कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते। मनुष्य की क्षमता असीमित होती है, आप लोगों ने सर्कस देखा हो, सर्कस में शरीर को पूरा फोल्ड कर देते हैं और हम लोग बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन होता प्रैक्टिस से होता, प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं। जितने अच्छे जजेस हैं एडवोकेट्स हैं वो संक्षेप में अपनी बात करते हैं कि मिला गए ऐसा है मेरा तर्क और सब लोग प्रभावित हो गए, तो आप जो है पूर्ण ढंग से अपना प्रेजेंटेशन कीजिए और अपना आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला प्रभावित हो और कन्विंस हो कि हाँ ये बात जो कही जा रही है वो सारगर्भित है और महत्वपूर्ण। इसके अतिरिक्त अनुशासन देश को महान बनाता है, कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि अनुशासन भी देश को महान बनाता है, तो अनुशासन से कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ शक्ति हो गई या हमको पूछना जाता, कभी भी शिक्षक या विद्यालय कभी आपको कुचलने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमेशा चाहता है कि आप लोग फूल की तरह खुले और विकसित हो, कभी ये भावना आती ही नहीं। अनुशासन बनाए रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अनुशासन से व्यवस्था चलती है, पूरा सिस्टम चलता है, इसको कहते हैं लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। अगर आप प्रयास क्रिएट कर दें अराजकता की स्थिति हो जाए फिर से राइट इज राइट हो जाए कि जो शक्तिशाली है वो अपने मसल के बल पर हासिल कर लेगा और जो सज्जन व्यक्ति है जो संकुचित व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा, वो वंचित रह जाएगा, तो इसीलिए लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनाई गई कि हम सभी लोग एक नियम का पालन करेंगे और हम लोग आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की भावना डेवलप करें, अपने अंदर हर प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे सब समाज में क्या होता है, आप किसी से टकरा गए तो कहेंगे सॉरी एक्सक्यूज, ये अच्छा लगता है सुनने में भी और एक प्रभावशाली भी है। दूसरा तरीका क्या है, टकरा गए तो कहेंगे अंधे हो क्या, मतलब गलती अपनी है लेकिन सामने वाले को बोल रहे हैं कि अंधे हो क्या दिखाई नहीं, तो दोनों में क्या अंतर नजर आता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से आपको संस्कार मिलता है और सुनिधि मतलब आपको विनयशीलता प्राप्त होती है। अगर आप विनम्र होंगे तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में खूब चिल्ला रहा हो गाली दिया जा रहा है तो देखिए
ह्यूमन है आप और ह्यूमन नेचर होता है कि जब आदमी इरिटेट होता है तो गाली गलौज करता है, कभी कभी तोड़ फोड़ भी करने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस स्टेज में आ गया तो नॉर्मल नहीं है वो, एब नॉर्मल, और ऐसे एब नॉर्मल को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप भी दो चार गाली दीजिए, हाथापाई कर लीजिए, क्या ये उचित होगा? नहीं, आप शांत हो, फिर आप उससे कहिए कि अपनी बात प्यार से बोलिए कि आपने तो अनावश्यक नाराजगी जाहिर की, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, हम तो एक हमें बस इतना ही कहा और हम इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाहते, हम आपका पूरा सम्मान करें। हर मनुष्य को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप लोग पढ़ते होंगे कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके प्रति, जो महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं उनके प्रति हमारे अंदर सहनशीलता की दयालुता की भावना, ये सब ह्यूमैनिटी के जो फीचर्स हैं, ये सब रिक्वायर्ड है। और हमें लगता है कि आज का हमको अवसर मिल गया है, थोड़ा हम आपको प्रवचन दे दे रहे हैं, आप लोग बोर मत होइएगा, अगर बोर होने लगेगा तो बता दीजिएगा। ये सब जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, जो सहनशीलता है, जो धैर्य है, जो क्षमा है, ये सब गुण ही महत्व रखते हैं। और केवल विधि की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको इन सब गुणों को इनकलकेट करना पड़ेगा, उसको आत्मशासित करना पड़ेगा, अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर व्यक्तित्व के व्यक्ति हो। आप जहाँ जाएंगे, चाहे आप अधिवक्ता के रूप में जाएं, चाहे आप न्यायिक अधिकारी के रूप में जाएं, चाहे आप शिक्षक के रूप में जाएं, आप जहाँ भी जाएंगे हर व्यक्ति आपको आपके विषय में उत्सुक होगा कि कौन व्यक्ति है, इसका जो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। जब आपका व्यक्तित्व बदल जाता है तो आपको अपना पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही पूछेंगे कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आपने कौन सी पढ़ाई की है, और आप मतलब प्रभावित होंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। आपको तो देखिए, आपको तो प्रेरणा का स्रोत बनना है, पैसा तो आता जाता है और पैसे का एक सीमित उपयोग, एक सीमा के बाहर पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, ये सभी लोग जानते हैं, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं जब आपको रिमाइंड करा रहा कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, अगर आपको सुखी रहना है तो आपको अपने मस्तिष्क से ही सुख को उत्पन्न करना है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि आधा गिलास पानी रखा तो जो निगेटिव थिंकिंग वाला होगा वो कहेगा कि आधा गिलास पानी, मतलब आधा गिलास ही पानी, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा वो कहेगा कि आधा गिलास पानी भरा हो, आधा गिलास भरा हो, मतलब जो गिलास जो खाली होता था तो कम से कम आधा गिलास पानी है, ये पॉजिटिव थिंकिंग। और निगेटिव थिंकिंग क्या है कि आधा ही गिलास पानी, अगर हमको पूरा गिलास पानी नहीं मिला, आधा गिलास पानी मिला, तो ये हमारी थिंकिंग है, नथिंग इज गुड और बैड, आवर थिंकिंग मेक्स इट सो, ये कहावत है, मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमको दिखता है। रामचरित मानस में भी कहा गया है, जाके रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी थी कैसी, और ये व्यवहारिक जीवन में सारी बातें आपको मिलेंगी। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे विषय में आपको एक पूर्व धारणा है कि सर तो अच्छे आदमी नहीं है, बड़े गुस्सैल हैं, बड़े बेईमान टाइप के हैं, ये भाव करते हैं, जातिवाद करते हैं, अगर आपके मन में ये भावना होगी तो आपको वही दिखेगा कि हाँ ये तो कर रहा है, ये तो जातिवादी है, ये तो क्षेत्रवादी है, ये बात है। लेकिन अगर आपके मन में ये रहेगा कि नहीं, ये सर जो है ये बड़े अच्छे हैं, ये भेदभाव नहीं करते, ये हमेशा नियम के अनुसार ही काम करते हैं, तो आपको वही चीज़ दिखेगा कि सर ने जो है नियम के अनुसार काम किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं, आपको केवल एक विधि का ज्ञाता भी नहीं होना बल्कि अपने देश का एक अच्छा नागरिक भी बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप देश के भविष्य, देश के कर्णधार, और आप ही लोग देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, भविष्य का जो जिम्मेदारी है वो आप ही लोगों को करने पर, चाहे आप राजनेता के रूप में जाएं, चाहे आप विधि निर्माता के रूप में जाएं,
चाहे जिस रूप में जाए, चाहे आप विधिक प्रैक्टिस के रूप में जाए, मतलब लीगल प्रैक्टिस में जाए, जहाँ भी जाएंगे आप अभी देश के लिए कर्णधार के रूप में होंगे। और हमें महापुरुषों से थोड़ी प्रेरणा मिली, जो हमारे पुराने राजनेता थे, जो हमारे जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। अपेक्षित मालवीय जी की महिमा बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे देश का संविधान बनाया और हमें आज एक विधिपूर्ण जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान किया। और ऐसे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, उनके पास इतना पैसा नहीं था, उन लोगों ने दान लेकर के, दान मांग करके, भिक्षाटन करके बड़ी बड़ी संस्थाएँ बनाई। कॉलेज सराय बनाए जाते थे, हॉस्पिटल बनाए जाते थे, जन कल्याण के लिए भी, समाज के लिए भी सोचना पड़ता कि हमारा क्या योगदान हो सकता है। और उसका अपना एक सुकून है, उसका एक अपना सुख है, उसको करके ही महसूस किया जा सकता है। आप सुनते होंगे कि एक व्यक्ति जापान गया इंडिया का, तो जापान में उसका सामान कहीं खो गया, तो उसने जापानी व्यक्ति से कहा कि ये तो मेरा जो सामान ये रखा था खो गया। तो वो गया, सामान खरीद के लाया और दिया, कहा कि नहीं आपका खोया नहीं था, गलत था, मैं दे रहा। तो बात बाद में पता चली तो उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि मैं अपने देश की इज्जत बचाने के लिए खरीद के लाया हूँ कि आप अपना ये मैसेज लेके न जाएं कि वहाँ पर चोरी हो गया सामान, हमारा पैकेट मार लिया गया, हमारा टिकट भी चला गया, मोबाइल भी चला गया, आधार कार्ड भी चला गया, तो आपको ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा। हम आपको अपने देश के प्रति, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम आपको ये सारा सामान जो आपका खोया है, आपका पैसा रुपया जो भी है, जहाँ तक हो सकता है खरीद कर, उनकी देशभक्ति भी होती है। वो लोग देखिए, चाइना के लोग जो है वो चाइनीज भाषा में बोलते हैं, जापान के लोग जापानी में बोलते हैं, इंडिया के लोग जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं प्रभाव नहीं आता, हम चार लाइन इंग्लिश बोल देंगे तो हमारा ज़्यादा प्रभाव रुतबा बन जाएगा। ये हमारी सोच का अंतर है। हमारी जो भाषा है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे हमारी राजभाषा हो, सर तो अपने विश्वविद्यालय में अपने विभाग के राजभाषा हिंदी के कोऑर्डिनेटर हैं और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हिंदी को बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय में सभी सूचनाएँ ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं। तो हमारा ये नहीं कहना है कि कोई भाषा खराब है या कोई भाषा अच्छी है, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, उतना ही हिंदी की भी जानकारी होना चाहिए। अंग्रेजी बोलने के चक्कर में बच्चों को कॉन्वेंट में डाल दिया जाता है और वो हिंदी बोलते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो ये खराब भ्रम की स्थिति है। कम से कम हमारी हिंदी तो मजबूत हो, इंग्लिश मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर रहेगी, इंग्लिश तो आ जाए। पहले के जो हमारे महापुरुष लोग होते थे वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे और जो न्यायालय से जुड़े हुए लोग रहते थे वो उर्दू की भाषा भी, कवि और शायर लोग जो है बिना उर्दू का शब्द मिलाए अच्छी शायरी नहीं बनती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का भी अध्ययन कीजिए, भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है और किसी भी भाषा से चिंता की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बुकवार नहीं बनना, किताबी कीड़ा ही नहीं बनना, आपका एक जीवन है और जीवन में और भी काम है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्तिष्क बन जाएगा, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आपको मिलकर व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक चीज़ों का आहार करना चाहिए और आप
लेकिन हम लोग भी कभी कभी खा लेते हैं, एक आध बार खा लीजिए आप, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जंक फूड, फास्ट फूड और ये सब बाहरी चीज़ें। देखिए हमारे देश में और हमारे संस्कृति में जो खान पान का तरीका है वो शाश्वत है। आप दाल चावल रोटी सब्जी अगर नित्यसा खाएंगे तभी आपको रोज भूख लगेगी, आपका मन कभी नहीं रुकेगा और वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। और ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसको आप अगर दो चार दिन खा लीजिए तो पाँचवें दिन डॉक्टर साहब के इंजेक्शन लगवाने जाना, तो क्या ज़रूरत है इतना रिस्क क्यों लिया है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको जो है वो चाहे विद्यालय में महाविद्यालय में खेलकूद की प्रतियोगिता हो या वाद विवाद की प्रतियोगिता हो, इस सब चीज़ों का भी बीच बीच में आयोजन करें और शिक्षकों के ऊपर हिस्सा बढ़ डालें। आप लोग खुद अपना प्रस्ताव लेकर के अपना एक समूह बना करके विनम्रतापूर्वक प्रशासन से कहिए कि सर हम लोग कोई खेल खेलना चाहते हैं, एक छोटा सा कंपटीशन आप करवा दीजिए और आपके पास जगह की कमी नहीं है, मैदान है, टेबल टेनिस है, बॉल टेनिस है, कुछ भी खेल, वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी समझ में आए। खेल कूद करने से क्या होता है कि आपके मस्तिष्क का मनोरंजन होता है और आपके शरीर का विकास होता है, मतलब मजबूत शरीर आपका मजबूत बनेगा और मस्तिष्क का मनोरंजन खेल कूद की विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त आपको सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आप लोग सोचते होंगे कि प्लेन लिविंग क्या, प्लेन लिविंग का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क की जिंदगी, बहुत ज़्यादा दिखावा की जिंदगी वो बहुत ही खर्चीली हो जाती है पहली बात, दूसरी बात कि वो आर्टिफिशियल हो जाता है। जब आप एक स्टेज में चले जाएंगे तो आप गंभीर हो जाएंगे और ये आपको बनावटी लगता है कि ये बिल्कुल बनावटी है। और इन सब चीज़ों में अगर आपका दिमाग लग जाएगा तो आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, फिर आप मुख्य मार्ग से डिविएट हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो उच्च विचार या अच्छा विचार आपको आना चाहिए, सादगी रहे, आपके कपड़े साफ सुथरे हों, आयरन हो ठीक है पुराने हैं फटे ना हो, लेकिन पुराने हैं तो कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में नया नया कपड़ा पहनते हैं। आजकल परिवार में बच्चे कहते हैं कि हमने इस कार्यक्रम में एक कपड़ा पहन लिया था अब तो दूसरे वाले कार्यक्रम में तो दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये क्या कौन सी धारणा आ गई और कहाँ से आ गई। ये हमारे जो टेलीविजन और मीडिया है इसका प्रभाव है कि वो तमाम रस्म और रिवाज बढ़ा दे रहे हैं, शादियाँ जो हैं कितनी गंभीर और खर्चीली हो जाएगी। पहले दहेज की समस्या थी, अब दहेज की समस्या नहीं है, अब शादी को परफॉर्म करने के लिए प्री वेडिंग शूटिंग शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद तिलक होगा, परीक्षा होगा, फिर इंगेजमेंट होगा होटल में और उसके बाद शादी होगी, आप समझिए लाइन लगी होगी। हमारी जनसंख्या इतनी तेज भाग रही है कि हमारे देश की सबसे भीषण अगर कोई समस्या है तो वो जनसंख्या विस्फोट। आप लोगों को इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा, जनसंख्या को इतना बेतहाशा नहीं होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 14 अगर ऐसे हम बढ़ेंगे तो हम लोगों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। खेती की जमीन तो जा रही है धीरे धीरे, रहने के लिए मकान भी कम पड़ जा रहा है, सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियों की लाइन लग जा रही है, एक घंटे की दूरी जो है आप जब सादगी पूर्ण जीवन जीना चाहेंगे और अच्छे विचार रखेंगे तो आप कई चीज़ों में योगदान करते रहेंगे। वैसे मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी जीव है, जानवर थोड़ा प्रदूषण नहीं करते,
मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है, जन्म से लेकर मृत्यु और पूरे जीवन मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। हमारे फ्रिज से, हमारे एसी से, हमारे कार से, हमारे घर द्वार से, हर जगह से, हमारे परफ्यूम से, हर चीज़ से हम प्रदूषण करते हैं। तो इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि आप लोग कुछ सोच। इसके अतिरिक्त हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव है कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो लगता है कि हमको आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है और जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, मतलब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो या तो उसी साल या तो एक साल के भीतर अगर जॉब नहीं मिला तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, विशेष करके इस पेशे में तो सदाबहार, आपको कब बुलावा आएगा, कितना देर लगेगा ये निर्धारित नहीं है, लेकिन जितना ही देर होगा उतना ही दुरुस्त होगा। देर आए दुरुस्त आए, और इसके पीछे एक धारणा और भी है कि आप ईश्वर पर विश्वास काट तो है, कोई ऊपर पर्दे के पीछे बैठा हुआ है जो पूरे सृष्टि को चला है, और वो है ईश्वर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन ईश्वर है जो कि सृष्टि को संचालित करता है और उनके ऊपर विश्वास किया। और एक कहावत है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मैं प्रपोजे गॉड डिस्पोजे, हम लोग प्लान बनाते हैं और उसको पूरा कौन करता है, ऊपर। कभी कभी आपको क्लर्क की नौकरी मिल रही होगी और आपको मान लीजिए इंटरव्यू में छट गए, अब आप बहुत दुखी होंगे कि अब तक हमारी नौकरी लग गई होती तो हम भी मतलब 50,000 रुपया महीना पाने लगते, लेकिन पता चला क्या कि आपने और तेजी से पढ़ाई शुरू की और अगले साल आप विशेष जगह सेलेक्ट हो गए, अब तो आप बहुत बड़े अधिकारी हो, अब आपके पास जो है गाड़ी बंगला नौकर चाकर हो गए, और गली आपके साथ चल रहा है, आपने अपने कार पर जज लिखवा दिया, हर जगह ग्रीन सिग्नल है। तो एक सोशल जो है प्रेस्टीज, एक सामाजिक रुतबा वो आपको मिल गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप घबराइए मत, जीवन में कुछ असफलताएँ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती है और असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी बनती है। एक हमने सोशल मीडिया में हमको एक मैसेज आया था तो हमको बड़ा अपील किया, इसलिए हम उसको आपको कर दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि गिव परमिशन टू फेल, अपने को गिव योर सेल्फ परमिशन टू फेल, अपने को कभी असफल भी हो जाने दीजिए, क्योंकि इफ यू नेवर फेल यू नेवर लर्न, अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इफ यू नेवर लर्न यू विल नेवर ग्रो, अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो आप विकसित नहीं होंगे। तो ग्रो करने के लिए असफलता भी जरूरी है। आप देखेंगे लाइफ में, अभी तो आप लोगों का जीवन का शुरुआत है, आप लाइफ में देखेंगे कि अगर छोटी मोटी असफलता आती है तो अच्छा सा सब कुछ देर के लिए लगता है कि हमको तो इतना कष्ट मिल रहा है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ प्रिवेल्स ओवर ऑल, तो ये सारी बातें कही गई हैं बड़े निष्कर्ष के साथ, बड़े एनालिसिस से, बड़े सोच के बाद ये सब चीज़ें आई हैं, और ये सारी चीज़ें सत्य हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अपनाने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और लास्ट बात मैं ये कहूँगा जो है पेशेंस, धैर्य इस इंटर रिलेटेड है, लेकिन धैर्य जो है वो बहुत ही जरूरी है। मतलब एक कहावत है कि अगर धीरज है आपके पास, धैर्य है, तब तो आप नदी के उस पार चले जाएंगे, और अगर धैर्य खो दिए तो बीच नदी में आप डूब जाएंगे। तो आपको धैर्य का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जो है वह बेड ऑफ रोजेज नहीं है, मतलब वो फूलों का बिस्तर नहीं है। जीवन जो है संघर्ष का नाम है, जीवन में चुनौतियाँ कठिनाइयाँ और उनसे जूझना पड़ेगा, हारना नहीं। अभी सुनाई पड़ा कि नेशनल यूनिवर्सिटी गैलरी में
तीन महीने में तीन बच्चों ने सुसाइड कर, लेकिन आपके यहाँ कभी नहीं सुधर पड़े क्योंकि आप मजबूत हैं, आप संघर्ष वाले जीवन से आए। अरे जीवन में हारना क्या, जीवन मिलता है उसका उपयोग करना है, जीवन को खत्म कर ले। देखिए किसी चीज़ को बीमारिश करना बड़ा आसान, दो मिनट का काम, एक बुलडोजर लाइए धीरे से तोड़ देगा दीवार की मिट्टी सब, लेकिन इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितने लेबर लगते हैं, कितना श्रम लगता है और कितना मटेरियल लगता है, उसके बाद ये इमारत बनती है और इस इमारत को गिराना है दो मिनट लगता है। तो विध्वंस जो है उसके विषय में कभी सोचना ही नहीं, उसी का पार्ट है सुसाइड, कभी भी सुसाइडल टेंडेंसी हमेशा पॉजिटिव है। भाई आपका जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और आपको मनुष्य का जीवन मिला हुआ है तो आप इसका एंजॉयमेंट कीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपको कोई रोजगार नहीं, आप वकालत कर रहे और वो भी जिला गया है, आप गए अपना एक दो मुकदमे लड़े, आपको सीमित आमदनी हुई, आप सीमित मात्रा में अपने परिवार का संचालन करें। आप देखिए जरा कि जो व्यक्ति 2-4 लाख तनख्वाह पाता है, या तो आजकल जो कॉर्पोरेट सेक्टर में पैकेज मिलता है 25 करोड़ का 50 करोड़ का, अब वो तो सोच करके कल्पना नहीं कर पाते कि वो इतना पैसा कहाँ रखता हो, इतना पैसा करोड़ रुपये अगर एक साल में मिलेगा कई करोड़ रुपया तो कहाँ रखते होंगे, क्या करते होंगे वो जाने। लेकिन आप ज़रा अपने आसपास देखिए कि लोग जो है 8,000-10,000 रुपये का ड्राइवरिंग का काम कर रहे हैं, या कोई कारीगर उम्रबंद व्यक्ति उनका भी खर्चा चल रहा है, उनके भी बेटा बेटी की शादी हो रही है, उनका कोई काम होता है, किसी का काम नहीं होता। आप अगर धैर्य रखेंगे, आप नहीं सफल हुए तो आपके बच्चे सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। अगर आपने IAS बनने का ख्वाब देखा, या PCSE बनने का ख्वाब देखा, या हाईकोर्ट जज बनने का ख्वाब देखा और आप पूरा नहीं कर पाए, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका बेटा बेटी बन जाएंगे, निश्चित बनेंगे। धैर्य रखना है और जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, उन सारी चीज़ों को 100% तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है। मनुष्य कभी अपने जीवन में परफेक्ट ना नहीं होता, पूरे जीवन का उम्र आप ज्ञान अर्जित करते रहेंगे और ज्ञान अर्जित करना भी चाहिए। आपके सुखद और सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ढेर सारे फार्मूले सफलता बताए जिसके लिए हम आपके कोट कोट आभारी हैं। जितना आपके पास है उतने का ही प्रयोग करके आप आगे जा सकते हैं, ये मूल मंत्र सर का आप हमेशा ध्यान रखें। अब हम कार्यक्रम की जो हमारी अपनी कड़ी है उसके अंतर्गत प्रतिवर्ष जो बच्चे हमारे यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठवें सेमेस्टर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उनमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। उस कड़ी में आज चूँकि अभी हमारे यहाँ छठवें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो हमने जो पहला सेमेस्टर दूसरा तीसरा चौथा और पाँचों सेमेस्टर मिला के जिनको सर्वोच्च अंक प्राप्त हुआ है उनको पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मैं नाम बोलूँगा, वो आएंगे और अपना पुरस्कार मुख्य अतिथि महोदय के कर हम द्वारा प्राप्त करेंगे। इस कड़ी के अंतर्गत चयनित छात्र हैं हरसेन शर्मा सनाब श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया तृतीय स्थान पर है श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, नहीं आशीष कुमार केसरी, तृतीय स्थान पर है श्री आशीष कुमार केसरी सनाब श्री सुरेश केसरी।
आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमती कुमारी दी जाती है। इस कड़ी के अंतर्गत हम जिन छात्रों का नाम बुला रहे हैं वो आए और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा भारतीय संविधान की पुस्तक प्राप्त करें। इसमें एलएलबी के छात्र पुस्तक मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा प्राप्त करें। हमारे हेड
आशीर्वाद है। देखो मैं फिर से नमन करूंगा, नमस्कार करूंगा, आपकी समक्ष ऐसी बातें रखी जो शायद किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम में आए छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति से मुखवाणी से आपको ऐसे प्रेरणा शब्द मिले जो शायद आपको 3 वर्ष ही नहीं आगे आने वाले 30 वर्षों तक प्रेरणा का सबब बना रहे। तो एक बार आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष बैठे विशिष्ट अतिथि महोदय श्री रजनीश कुमार पटेल जी की मैं क्या व्याख्यान करूँ, क्या बताऊँ, ये हमारे मित्रवत भी हैं। आपके समक्ष जो इन्होंने कुछ बातें रखी वो इनके व्यक्तित्व का एक लेशमात्र अंश है, इनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक अंश है जो आपके साथ छूट गया। शायद हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि यहाँ पे आए हुए हमारी यांत्रिकी से परेशान होकर शायद वो अभिव्यक्ति को नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ इनका एक बहुत अच्छा गुण है कि बहुत अच्छे कवि हैं। आप सोचिए इतना विरोधाभास है, एक ऐसा निरस विषय और ऊपर से अंदर इतना पुलकित और प्रबलित कवि, ये बहुत बड़ी एक उनका गुण है जो उन्होंने आज भी अपने संजीन अध्यापन के तौर पे इसको सजो के सवार के रखा। अब चूंकि मैं महाविद्यालय का संस्थापक निदेशक हूँ, धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ, तो मेरे तरफ से भी अगर आपके पास कुछ ज्ञानवर्धक के शब्द आ जाए तो शायद ये आदाब न रहेगा। अब बताया कि इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, आपको ये भी सब ने बताया कि हमें लॉ के बाद क्या हमको कितनी हमारे पास एवेन्यूज हैं, कितने रास्ते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। और आपको हम एक छोटी सी जानकारी दें, शायद आपको ये रोचक हो, तो यहाँ पे कवि साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे कवि, उनके पास शायद होगा अपना मैं रिलेशन बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं समाजशास्त्र को भी अध्ययन किया हूँ। हमारे व्यक्तित्व में हमारे जीवन में 5 तरह की बहुत एजिंग होती है। पहली होती है बायोलॉजिकल एजिंग, एक दूसरा होता है साइकोलॉजिकल एजिंग, तीसरी होती है न्यूरोलॉजिकल एजिंग, चौथी होती है क्रोनोलॉजिकल एजिंग और पांचवी होती है सोशल एजिंग। पर हमारे लिए जो एजिंग का महत्व है जो हमारा रिलेशन प्रभाव करता है, हम सिर्फ बायोलॉजिकल एजिंग क्या होता है, सपोज करिए कि एक व्यक्ति 25 साल की उम्र तक जिया या 25 साल की उम्र का है, अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने जीवन में स्मोकिंग किया है, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां की, दैट मीन्स कि उसने 25 साल तक अपना जीवन जिया। और जो तीसरा जो मेरा ये मुख्य दूसरा एजिंग है वो है सोशल एजिंग का जो रिलेशन होता है, हम अपने समाज के द्वारा क्या सीखते हैं, हम अपने समाज से क्या सीखते हैं और अपने समाज को क्या दे रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू सोशल एजिंग। हमारे उम्र से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे परिचय से, हमारे समाज को अवसर क्या प्राप्त हो रहा है और कैसा प्राप्त हो रहा है, दैट इज नॉट सोशल एजिंग। अब हमारा बायोलॉजिकल एजिंग और सोशल एजिंग को रिलेट करेंगे, अपने अंतर्गत से रिलेट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि जो विधि नाम का शब्द है, ये लॉ सब्जेक्ट है या लॉ का कोर्स है, कि कितना रिलेटेबल है आपकी। अगर हमने अपना जीवन 30 साल का जिया और अगर हम समाज को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वी आर डिकेइंग नॉट इवन एज अ बायोलॉजिकल एजिंग, वी आर ऑल्सो डिकेइंग, हम लोग क्षण क्षण क्षणित हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं सोशल एजिंग से, यानी कि हमारा बायोलॉजिकल एजिंग भी जा रहा है और हमारा सोशल एजिंग भी जा रहा है। तो ये जो हमारी उम्र की जो एजिंग का जो विवरण है, इसको बड़े सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप लॉ के विषय से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे सोसाइटी इन्वॉल्व हो रही है, वैसे वैसे लॉ भी इन्वॉल्व होता है। इस कारण से अपनी इस बढ़ती हुई उम्र को, एजिंग को, आप कैसे ऐसे एजिंग में कन्वर्ट करेंगे जैसे आप अपने समाज को कुछ दे पाए, उसके लिए सबसे बढ़िया सीढ़ी है, सबसे बढ़िया संबल है आपका विधि, आपका लॉ का सब्जेक्ट एज अ प्रोफेशन। इसको आप एक बार अवलोकन करके देखिएगा, एक बार समझ के देखिएगा। आप सबके समक्ष जो आप युवतियाँ बैठी हैं, इनके समक्ष मेरा ज्ञान तो बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति थे, एक विचारक थे, जूलियस स्टोन, पता नहीं कुछ बच्चों ने नाम सुना है, नहीं सुना है, एक जूलियस स्टोन व्यक्ति थे जो काफ़ी अच्छे विधि विचारक थे। इनका मानना ये था कि हमारे अधिवक्ताओं में या हमारे विधिवक्ताओं में सिर्फ 3 गुण रह गए। वो 3 गुण क्या रह गए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, कि उनके पास जो ज्ञान रह गया है
सिर्फ और सिर्फ प्रक्रियाओं का ज्ञान रह गया है, प्लस नियमों का ज्ञान रह गया है और संस्था क्या दे रही है इसका ज्ञान रह गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी ज्ञान रह गया है। पर चाहिए क्या अधिवक्ता हो, चाहिए क्या एक विधिवक्ता हो कि उसके पास सामाजिकता भी ज्ञान होना चाहिए, उसके पास नैतिकता का ज्ञान भी होना चाहिए, उसके पास मूल्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, जो आज की परिवेश में हमारे अधिवक्ता भाइयों में शायद धीरे 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 कम हो रहा है। हमारा सर ये देखेंगे आप कि अधिवक्ताओं को अगर हम लॉ की तरफ से जुड़े हुए हैं, लॉ सब्जेक्ट से जुड़े हैं, तो क्या जरूरी है आप सिर्फ अधिवक्ता बन रहे? हमें जैसा कि आपके सामने विशेषज्ञों ने आपको बताया, अवगत कराया कि हम लोग के पास कितने एवेन्यूज हैं, लेकिन अब उस एवेन्यूज में अगर हमारे पास सामाजिकता नहीं रह जाएगी, हमारे मूल्य नहीं रह जाएंगे, हमारी नैतिकता नहीं रह जाएगी, तो कुछ नहीं होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि लॉ क्या वाकई में पनिशमेंट रोकता, सॉरी लॉ वाकई में क्या क्राइम रोकता है? अगर आप अपना अवलोकन करें, आप उसको अनुभव करें, क्या लॉ क्राइम रोकता है? नहीं। अगर लॉ क्राइम रोक रहा होता तो विधि को तोड़ने के बाद जब पहली फांसी की सजा हुई होगी, हत्या के बाद पहली फांसी हुई होगी या रेप के बाद पहली फांसी हुई होगी, तो क्या बाद में घटनाएं पुनरावृत्त नहीं हुई? हुई, बाद में भी घटनाएं हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, हमारे जो विचार हैं वो धीरे धीरे सड़ रहे हैं, दे आर डिकेइंग। इस डिकेइंग को रोकने के लिए बहुत जरूरी है आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए। आप जब लॉ का ज्ञान रखेंगे, आप अपने आप को इस तरह से विभेद कर सकेंगे, एक डिस्क्रिशनरी माइंड रहेगा, एक ऐसा विभेद का तरीका रहेगा कि आप लोग अच्छे से उसको डिस्क्रीट कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक तारीख को हमारे इन्हीं पेशेंट का जन्मदिन मनाया गया, सो इन्हीं पेशेंट जी का नाम सुना होगा, किसी ने सुना इन्हीं पेशेंट जी का नाम, इन्हीं पेशेंट सुना है तो हमारे कारण से कोरिलेशन है उनका, इन्हीं पेशेंट का बनाना से कोरिलेशन है, किसी को कुछ है बनारस रिलेशन? हाँ बताएं। बहुत बढ़िया। अभी 1 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस था, उस अवसर पे एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, इमरजेंसी की अंतर्कथा, उसमें आप समाजशास्त्री आए थे जेएनयू से, प्रोफेसर आनंद महाजी, उन्होंने मुझे भी इन्विटेशन दिया था और मुझे सौभाग्य था उनके साथ शेयर करने का, और मैंने उनको उनके साथ मत शेयर किया। उस पूरी सभा में लगभग 500 लोग रहे होंगे, पूरी सभा में इमरजेंसी के बारे में व्याख्यान हुआ, इमरजेंसी की क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ, अच्छाइयाँ तो तीन ही बुराइयाँ थी, सब लोगों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से बताया, पर वहाँ उस पूरी 500 की सभा में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि विधिक दृष्टि से इमरजेंसी कितना बड़ा गैर कानूनी कदम उठाया गया। उसमें जो पहला व्यक्ति थे वो आप ही की संस्था के, आप ही के सहयोगी थे, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने ये बताया कि विधिक दृष्टि से कितना अन्याय करता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सब उठाया। और दूसरा वक्ता जो थे सौभाग्य से आपके समक्ष आपके समय एक समय खड़े हैं, हम लोगों ने यह अवगत कराया कि इमरजेंसी विधि के दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से कितना अनुचित कार्य किया गया था। जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो जाती है तो जॉन स्टुअर्ट मिल की कर्तव्य याद आता है कि अगर सत्ता किसी एक हाथ में निमित हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उसके नतमस्तक हो जाता है। तो वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो सत्ता को अपने हाथ में निमित कर लिया था, तो उन्होंने अपने हाथों से संविधान का दुरुपयोग करते हुए, अनुच्छेद 312 का दुरुपयोग करते हुए इमरजेंसी लागू किया। मेरा ये कहना है कि अगर समाज को कुछ दे रहा है एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, तो आपको विधिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिहेव लाइक अ लॉ स्टूडेंट और ट्राई टू ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन लाइक अ पर्सन हु इज अवेयर ऑफ लीगल नॉलेज। अगर आप उस ढंग से विधि को सोचेंगे, लॉ को सोचेंगे, आपकी प्रगति भी होगी, साथ में आपके समक्ष आपके बगल में जो बैठा होगा उसका भी शमन नहीं होगा, उसका भी दमन नहीं होगा। इससे बड़ी ताकत आपको लॉ नहीं दे सकता, ये शायद आप भी मानते होंगे, या 3 साल बाद जब डिग्री ले लेंगे तो भी मानेंगे। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, 3 साल बाद उसकी आपको क्या औचित्य को समझ में आता। 2012 का एक लड़का सर, 2009 का एक पास आउट करता मेरे पास अभी अभी रिसेंटली आया, वो बड़ी गाड़ी से आया, एक डिफेंडर नाम की कोई गाड़ी होती वो लेके आया, मेरे पास गाड़ी पार्क किया और मेरे को नमस्कार किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एज अ टीचर मेरे को नमस्कार कर रहा है। 2009 का पास आउट लड़का था, बॉम्बे में वो हाईकोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, बनारस से भी रिलेशन था। अब कैसे मैं बताऊँ कैसे क्या
मैंने उससे पूछा, मैं आज की तारीख में जो हम कॉलेज आपसे फीस चार्ज कर रहा है वो मैं आपको पूरा करवाने को तैयार हूँ आज की तारीख में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने कब लॉ किया, मैंने उससे बोला कि आज की तारीख में जो भी लॉ फीस कर रहा हूँ कॉलेज फीस चार्ज कर रहा है आई एम रिटर्निंग टू यू, आप मुझे उस लॉ की डिग्री वापस दे दो, आप मुझे वो लॉ की डिग्री वापस दे दो। तो सर कह रहा है कि सर आप मेरी जान ले लीजिए सर, लेकिन उससे लॉ की डिग्री वापस कर दी, अब इससे बड़ी इंपॉर्टेंस अब आपको मिल रही है। वो हमसे कह सर आप मेरी जान ले लीजिए लेकिन लॉ की डिग्री मत लीजिए, लॉ की डिग्री के बजाय मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। हमें उसकी अहमियत तब पता चलती है जब मेरे हाथ में वो नहीं है, जब तक हम लोग कर रहे होते हैं मुझे लगता है वी आर जस्ट परचेजिंग द डिग्री, वी आर जस्ट परचेजिंग द लॉ, वी आर जस्ट परचेजिंग द कोर्स। लेकिन जब 3 साल बाद वो आपको उपयोगिता साबित करेगी, इसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके व्यक्तित्व पर है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसको रिमाइंड करिएगा जो बच्चे आज मुस्कृत होकर यहाँ से जा रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत कम क्लासेज अटेंड की है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप लोग लॉ की इज्जत करिएगा, वो लॉ एज अ रोजगार एज अ व्यवसाय एज अ प्रोफेशन आपकी इज्जत करेगा, राइट टू रिस्पेक्ट लॉ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज्ञान मिला होगा आपके सामने जो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभूतियाँ आई उससे आपको ज्ञान मिला होगा, आप प्रेरणा देंगे अपने भाइयों आप विभूति के नाम आपका महाविद्यालय के नाम पर स्थापित है, उस महान विभूति भी आपके उस दौर का धूम केतु था जो आज की तारीख में हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अभिशाप कहा जाता है। इन्हीं के कारण और वो भी उन्होंने उपयोग किसका किया, लॉ का उपयोग किया। जैसा कि सर ने कहा बताया कि अगर आप लॉ के उपयोग से काम करें, जिसको ज्ञान नहीं है वो चिल्ला सकता है ज़्यादा चिल्ला सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान है वो कम शब्दों में हाहाकार मचा देता है। Once again, very, very, I will show. Thank you to you all. Saath mein aapke liye main dhanyawad deta hoon. Hamare guest lecturer karmchariyon ka, jinka sahyog ke bina is aayojan ko safalta nahi mil sakti hai. Isliye ek baar fir se puna bahut bahut dhanyawad. Thank you very much. धन्यवाद सर, आपने भी बहुत ये सारी जानकारियाँ बहुत ही कम समय में दिया, हम आपके भी आभारी हैं। अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, अब हम सभी से यह निवेदन करेंगे कि राष्ट्रगान के लिए आस्थान करें। Thank you.
शिवानी पांडे, हिमांशु सिंह, प्रवेश कुमार पटेल, सुनील कुमार, अजीत कुमार।